दोस्तों नमस्कार, और आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 56वां दिन था, तो पिछले कुछ दिनों से आपसे रूबरू नहीं हो पाए। उसका मुख्य कारण ये था कि सुबह सुबह अंधेरा ज़्यादा होता है, जो एक्सरसाइज की जाती है सुबह, और उस समय मुझे ड्यूटी जाने की जल्दी होती, तो आज छुट्टी थी क्रिसमस की। तो आप लोगों से कुछ बातें करेंगे आज, कुछ आपके मन में जो सवाल है। आप कुछ ऐसे शब्द सुनते हो जिनका आपको नहीं पता होता, तो एक छोटी सी आज आपसे चर्चा करेंगे। और 10 किलोमीटर के लगभग आप आज वॉक भी करेंगे, क्योंकि पहले वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं घर पर, डेली अपना वर्कआउट चल रहा है, लेकिन उसका वीडियो शूट नहीं हो पाता। तो धुंध बहुत ज़्यादा है, आज भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अंदाजे से चले जा रहे हैं नेशनल हाईवे पर, सर्विस लाइन पर, जहाँ पर भी मील पत्थर दिखाई देंगे, उससे पता चल जाएगा कितने किलोमीटर आज चल लिए, क्योंकि डेली का नापा, डेली का आना जाना है। तो आप लोग कुछ शब्द सुनते हैं जिनके बारे में सुन के आप अचंभित होते हैं, तो उनमें से सबसे पहले आप सुनते होंगे फिटनेस। तो फिटनेस आपकी जो मुख्य रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और भावात्मक होती है। आपको कोई रोग नहीं है, आप अपने काम को अच्छे से करते हो, बिना थके हो। यार थोड़ी बहुत थकावट होती तो आपको जल्दी आराम के दौरान उसकी रिकवरी हो जाती है। और आपको अगर कोई ज़रूरी काम बाद में याद आ गया, उसके लिए ऊर्जा बचा के रखते हैं, तो आप फिजिकली फिट हैं। आपको जो भी काम है अपने याद रहते हैं अच्छे से, आपकी याद रखने की क्षमता अच्छी है, आप जल्दी चीज़ों को सीखते हैं अच्छे से, क्योंकि हर चीज़ किसी के लिए सीखना मुश्किल और आसान हो सकता है। किसी चीज़ का जो सत्र है सीखने का, वो मुश्किल हो सकता है, किसी का आसान हो सकता है। तो अगर आप उन चीज़ों को सीख रहे हो कुछ, तो आप मानसिक रूप से फिट हो। आप समाज के कार्यों में भाग लेते हैं और समाज के लोग आपको अच्छा चाहते हैं, आपकी समाज में अच्छी छवि है, और समाज के प्रति आप अपने दायित्व निभाते हो, तो आप सामाजिक रूप से फिट हो। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना आता है, किसी के साथ आप फालतू की बहसबाजी नहीं करते। हाँ, अपने हक के लिए लड़ना कोई फालतू की बहसबाजी नहीं होता, व्यर्थ में आप, जहाँ आपके साथ अन्याय ना हो, आप बिना मतलब कोई रिएक्शन देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हो, तो आप इमोशनली फिट हो। तो जो फिजिकल फिटनेस है, इसका हुआ बना पड़ा है। कई बार कह दिया जाता है किसी का भार ज़्यादा है, कोई आदमी है किसी के चश्मा लगा हुआ है, किसी कुछ है, तो ये फिजिकली फिट नहीं है। वास्तव में अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो सिर्फ इतना देखेगा, आपका ब्लड टेस्ट करेगा या आपका हृदय गति को चेक करेंगे। अगर आपको कोई रोग नहीं है, तो वो कह देंगे कि आप फिजिकली फिट हो। यानी कि किसी डॉक्टर के लिए आम आदमी, जब उसको कोई बीमारी नहीं होती, तो वो सोचता कि फिजिकली फिट है। कोई जिम वाले जाने वाला है, तो वो सोचेगा कि जिनका मेरे से भार ज़्यादा, जिनकी मसल मेरे जैसी नहीं है, वो फिजिकली फिट नहीं, केवल मैं फिजिकली फिट। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी व्यक्ति, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई अध्यापक है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई पुलिस ऑफिसर है, या कोई आम नागरिक है, कोई बच्चा है, आप देखते हो बच्चों को सर्दी भी कम लगती है और वो गर्मी में भी नहीं बैठते। हम की जो चीज़ें खाना वर्जित समझते हैं, बच्चे बड़े आराम से खा जाते हैं। उनको आइसक्रीम खाना, ये चीज़ें सब अच्छी लगती है, क्योंकि वो उछल कूद ज़्यादा करते हैं। बच्चे सामान्य रूप से बहुत कम सहज भाव से टिककर बैठते हैं, ज़्यादा उछल कूद करने से उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, उनका अभ्यास होता रहता है सारा दिन, तो उनको कम सर्दी महसूस होती है, उनको किसी प्रकार की मुश्किल महसूस नहीं होती है। वास्तव में क्या, कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रकार के काम करता है, जो काम उसके डेली के रूटीन के काम है, अगर वो उन कामों को बिना थके करता है, उन कामों को करने के दौरान उसको थकावट नहीं होती,
कई बार जो आम हम गाँव में यहाँ देहात के लोगों को देखते हैं, कहते हैं कि हमारे हड्डियाँ दर्द करती हैं, जोड़ों में दर्द होता है, या ये काम करने के बाद हम थका थका महसूस करते हैं, एनर्जी हमारे अंदर फील नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि वो आदमी फिजिकली फिट नहीं है। अगर कोई आदमी अपने रोज़ाना के दैनिक जीवन के कार्यों को बड़े अच्छे सहज ढंग से बिना थके हुए करता है, थोड़ी बहुत थकावट आना लाजमी होता है, क्योंकि कोई भी जो मशीनरी है हमारे शरीर की, जो हमारे शारीरिक की क्रिया विज्ञान है, जो फिजियोलॉजी है, उसमें ऑक्सीजन का, आहार का और बहुत सी चीज़ों का योगदान रहता है खून के अंदर ताकत देने के लिए, क्योंकि जो हम खाते हैं उससे खून को ताकत मिलनी है, तो थोड़ी बहुत थकावट आना लाजमी होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा थके हुए नहीं हो, अपने कामों को कर रहे हो और आपको कुछ ऐसा लगा कि मुझे कोई काम फिर करना पड़ रहा है इमरजेंसी के लिए, आप अपने अंदर कुछ एनर्जी, सरप्लस एनर्जी बचा के रखते हो, तो आप फिजिकली फिट हो। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर कोई किसान है, पूरा दिन खेत में काम करता, भारी काम करता है, कसी से काम करता, हल चलाता है, वो पूरा दिन खेत से घर आया और खेत से आने के बाद उसे पता चला है कि खेत में आवारा पशु घुस गए हैं, वो बिना किसी आनाकानी के वहाँ भाग के जाता है और उनको भगा के आता है, तो फिजिकली फिट है। ज़रूरी थोड़ी है किसी किसान के बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ हों, उसके मसल हों, उसका पेट जो बिल्कुल अंदर हो और उसका जो भार बहुत कम हो, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आप ज़्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं तो उससे आपका भार लाजमी है कि अपने आप कंट्रोल ही रहता है। दूसरा, अगर कोई ऑफिस में काम करता है, हल्के काम करता है, तो वो अपने ऑफिस से आने के बाद में अगर बच्चों ने कोई डिमांड कर दी, कुछ ऐसा होगा, उसको बाजार जाना पड़ा, कहीं एकदम वापस जाना पड़ा, तो वो भी सहज ढंग से अपने काम को आसानी से कर लेता, सारे कामों को निपटा लेता है, जो उसकी ड्यूटी है, जो उसके दिन के भर के काम है, तो फिजिकली फिट है। सभी की फिजिकल फिटनेस अलग अलग होगी, किसी किसान की अलग होगी, क्योंकि उसके ज़्यादा मुश्किल वाले कामों करने के उसको एंडोरेंस की, सहन क्षमता की ज़्यादा ज़रूरत है। ऑफिस वाले की अलग होगी, डॉक्टर की अलग होगी, किसी इंजीनियर की अलग होगी और मजदूर की अलग होगी, और कोई जिम जाने वाला तो उसकी अलग होगी। अब जिम जाने वाला है, वो बड़े बड़े वेट को उठा सकता है, तो वो फिजिकली फिट है, उसका काम कर रहा है। लेकिन कई बार वो लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग फिट नहीं है। अगर आपको कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ कि सभी लोगों की अलग अलग कैसे होगी, सभी लोगों की फिटनेस अलग अलग इस प्रकार होगी कि आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। एक मजदूर है, वो 8 से 10 घंटे भार उठाता है, जो बजरी है, सीमेंट के बोरे हैं, 50-50 किलो के ईंटों को लेकर ऊपर चढ़ते हैं, कई बार बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनती हैं, वो पूरा दिन लगे रहते हैं। लेकिन अगर उनको ये कह दिया जाए कि आपने जिम में जाके इतनी डेडलिफ्ट लगानी इतने वेट की, तो वो उनके लिए काम अनजान होगा, वो नहीं कर पाएंगे। वही किसी जिम वाले को अच्छे मसल हैं जिसकी, उसको बोल दिया जाए कि आपने 8 से 10 ईंट उठाकर 40-50 फुट हाइट पर आपने सीढ़ियों से लेकर जानी है और पूरा दिन आपको 8 घंटे चक्कर लगाने हैं, तो वो 1-2 चक्कर के बाद में थक जाएंगे। यानी कि उनके अंदर पावर ज़्यादा होगी लेकिन इतनी देर का स्टैमिना उनके पास नहीं होगा, तो उनकी मांसपेशियाँ ज़्यादा भार उठाने के लिए, कम समय के लिए उस काम के लिए अभ्यस्त हैं, और किसी मजदूर की जो औसत वेट उठाकर चलने के लिए पूरा दिन अभ्यस्त हो चुकी हैं, उनके अंदर स्टैमिना अपने आप है इस प्रकार का बना हुआ है। तो इसलिए सभी की फिटनेस अलग अलग होगी। जब कोई आदमी मुश्किल से आसान पर आएगा तो उसके लिए वो काम मुश्किल हो जाएंगे जो अपनी दिनचर्या में करते हैं। अगर कोई आसान वाला मुश्किल की तरफ जाएगा तो उसके लिए वो काम करना कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार सभी की फिजिकल फिटनेस अलग अलग होती है। हम अपने जो भी काम करते हैं, चाहे कोई अध्यापक है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे किसान है, कोई मजदूर है, सभी अपने अपने काम अच्छे से कर रहे हैं। उन कामों के दौरान उनको थकावट नहीं आती, और थकावट आती है तो वो जल्दी रिकवरी हो जाती है, तथा आकस्मिक कार्यों के लिए कोई इमरजेंसी में नया काम आ गया
जो हमें पता ही था हमें क्या करना, और हमें एकदम जाके वो घर पर करना पड़ा, जो दोबारा करना पड़ा, तो जो सारे दिन के काम से आई थकावट के बावजूद हम उस काम को आसानी से करते हैं, इमरजेंसी या आपातकाल का बिल्कुल खुशी से सामना करते हैं, तो हम फिजिकली फिट हैं। तो ये है हमारी होती है फिटनेस।